हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे हैवेल्स इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको हैवेल्स इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में ये नंबर 21% गिर कर 2609 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। देखिए, अगर कोविड का सेकंड वेव चल रहा है और उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज मुझे ख्याल से ज़्यादा फॉल हमको देखने को नहीं मिला है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 22% गिर कर 235 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर कोविड के सेकंड वेव में भी अगर आपका 50-60% का डिक्लाइन अगर आपके प्रॉफिट में देखने को नहीं मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपका बिजनेस मार्केट बहुत ही अच्छा है, मार्केट शेयर आपका बहुत ही अच्छा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी इश्यूज मुझे नज़र नहीं आते हैं। अब ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 75% बढ़ा है। यानी कि अगर पिछले साल कंपनी को 100 रुपये का रेवेन्यू मिल रहा था तो 100 रुपये के ऊपर यहाँ पे 75 रुपीज़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अब ये देखिए, 273% यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 235 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब आप ये बोलोगे 273% का मतलब क्या होता है। देखिए, 273% यानी कि 3.7 times, यानी कि अगर कंपनी अभी 1 रुपये कमा रही थी पिछले साल तो इस बार 1 रुपये के ऊपर 3.7 times यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। देखिए, 235 करोड़ पिछले साल 100 करोड़ से भी कम का नेट प्रॉफिट था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के नंबर्स काफ़ी बढ़िया हैं और ये इंडिकेशन है कि जो पिछले साल जो सिचुएशन थी उसके मुताबिक यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। अब ये देखिए, 69,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है ये स्टॉक। और देखिए, हैवेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रांड वैल्यू इस कंपनी की काफ़ी बढ़िया है और जो एडवर्टाइजिंग इन्होंने की है और जो अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने की है तो इनकी हैवेल्स की एक ब्रांड वैल्यू काफ़ी बढ़िया है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे 1920 में कंपनी का भले ही थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ था लेकिन 2021 में अगर आप देखोगे कोविड होने के बावजूद यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, सिर्फ एक साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। अब ये देखिए, 1103 पे यहाँ पे हैवेल्स इंडिया का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और इसके ऑल टाइम हाई है 1231, यानी कि अराउंड 130 रुपये। अगर परसेंटेज वाइज बात करें अराउंड 10-11% ये स्टॉक आपको अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए, अगर मार्केट जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट है अगर उसको एकदम अच्छे पॉजिटिव वे में देखता है और अगर मार्केट नॉर्मल रहता है यानी कि निफ्टी 50 कोई सेलिंग प्रेशर अगर हमको देखने को नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से 1-2 वीक के अंदर ये आपको आराम से इसका ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म व्यू की, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में बने रहना बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि देखिए कंपनी के प्रोडक्ट का और मार्केट शेयर कंपनी का काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी मुझे नज़र आती है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि हैवेल्स इंडिया के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।